तो हाय, हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सब लोगों को। और एक बार फिर से मैं आपको लेकर के आ गया हूँ रैंपस पब्लिक स्कूल में। और यहाँ पे आज होने वाला है अबू हसन का फाइनल प्ले, अबू हसन नौटंकी का फाइनल प्ले में आप लोगों को लेकर के आए हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सजी हुई हैं दर्शकों को बैठने के लिए, और पीछे मंच भी सज गया है और तमाम चीज़ें बैनर पोस्टर लग गए हैं। सॉरी, मैंने बोनर बोल दिया, बैनर बोलना चाहिए था, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ये बैनर पोस्टर वगैरह लग गए हैं, सामने आपको मंच भी दिख रहा होगा, मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, क्योंकि आज का जो प्ले है विथ कॉस्ट्यूम, विथ ड्रेस, विथ म्यूजिक, विथ ऑल इक्विपमेंट के साथ होगा, विथ प्रॉपर्टी के साथ होगा, तो देखने में भी बहुत मजा आएगा। ब्लॉग और लोगों से मिलवाएंगे जिनको अभी तक, पिछले मैंने दो ब्लॉग डाला है अबू हसन का, दोनों रिहर्सल का, एक ग्रैंड रिहर्सल का था, एक नॉर्मल रिहर्सल का ब्लॉग था, दोनों में लोगों को बिना कॉस्ट्यूम के आपने देखा होगा, कॉस्ट्यूम पहनकर नहीं वो लोग रिहर्सल कर रहे थे, नॉर्मल कपड़े में रिहर्सल कर रहे थे जो लोग रोज पहनते हैं। बट आज का जो ग्रैंड ये प्ले है उसमें सब लोग अपना अपना कॉस्ट्यूम पहन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, क्योंकि 6:30 बजे से प्ले की टाइमिंग है और 5:15 हो रहा है। कुछ लोगों का मेकअप डन हो गया, कुछ लोगों का मेकअप हो रहा है। तो आइए बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं और सबसे बारी बारी से मिलवाते हैं। और सामने खड़े हैं हमारे बादशाह साहब हारून उल रशीद उर्फ राकेश सर जी, जिन एकदम दुबई के शेख लग रहे हैं ये देखने में, है ना शेख साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अरे वाह, क्या बात है। और इधर हमारे परम आदरणीय श्री अशोक महर्षि सर हैं, जो कि इस नाटक के सह निर्देशक हैं, और इनका गेटअप देख लीजिए आप, वाह। अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत जनाब? अरे वाह, क्या बात है। और अच्छी बैठी हुई हैं, कल मिल चुके हैं, और ये हैं रोशन आरा, अभी इनका मेकअप पूरा हुआ नहीं है, हो रहा है सने सने, और भाभी जी मेकअप कर रही हैं यहाँ पे, अच्छा सॉरी हेयर कर रही हैं, मेकअप हो गया है, हेयर कर रही हैं रोशन आरा। अरे बाप रे बाप, ये कौन है भाई, पहचान में नहीं आ रहे हैं यार, हु इज दिस प्राणी, कहाँ से लाए इनको आपने? ये है हमारे परम आदरणीय श्री कालादेव चाचा जी और उर्फ महेश तिवारी जी, जो कि आज एकदम इनका रूप बदल चुका है पूरा, कल आपने इनको देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बाप, इतनी भारी आवाज़ तो सपने में नहीं सुना होगा मैंने। और ये है, इसका नाम आयशा है, ये आयशा है रोशन आरा की फ्रेंड, और ये वर्षा छोटे, आदाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और भैया हैं तुम्हारे, किसके भैया हैं तुम्हारे? अच्छा, ये वर्षा के भैया हैं। और लकी राजगुप्ता, आदरणीय श्री विजय सर, विजय कुमार सिंह जी, और बहुत ही सुरीले गायक हमारे भैया, झब्बर झब्बर बालों वाले विशाल विशाला जी। अरे हम भी वही वाले हैं। विशाल शर्मा जी, क्या बात है। और परम आदरणीय श्री रंगधर सर जी हैं, देखिए अभी यहाँ पे ये जो गेट बन रहा है, मन सज्जा का काम आप संभाल रहे हैं, और साथ में ये एक करेक्टर भी प्ले कर रहे हैं इमाम साहब का, और अभी मंच का पूरा सेटअप जो है वो लग गया है, और इधर रिहर्सल भी चल रहा है राजा साहब का और महर्षि जी का, महर्षि सर का, जो सिर पे सलार बने हुए हैं, इधर मंत्री वजीर है, सॉरी वजीर बने हुए हैं, और इधर पिंटू भैया अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं, और ये आपके सामने है परम आदरणीय श्री दीप शर्मा सर जी, जो कि इस नौटंकी के डायरेक्टर हैं, और ये सरस सर हैं, सरस श्रीवास्तव सर, और उनके बगल में बैठे हुए हैं आदरणीय संत कुमार श्रीवास्तव सर जी, और उनके बगल में बैठे हुए हैं इस स्कूल के सबसे पुराने स्टाफ हैं, वो साउंड ऑपरेटर हैं, जो साउंड चल रहा है उसको ऑपरेट करते हैं वो, और अभी सामने बैठे हुए हैं परम आदरणीय श्री बालमुकुंद सर हैं, जो कि बहुत पुराने रंगकर्मी हैं, और बस्ती से आए नाटक देखने के लिए, बस्ती से आप आए हैं अबू हसन नाटक को देखने के लिए। चलिए पूरी टीम की तरफ से आप, और ले चलते हैं आपको अंदर, और अंदर दिखाते हैं आपको। अच्छा, अंदर जाने से पहले मैं दिखाता हूँ बबीता भाभी को। अरे वाह, पन्ना जान, नील परी, सब कुछ लग रही हैं ये तो, क्या कितना सुंदर लग रही हैं आप, वाह ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। शुक्रिया, थैंक यू नहीं बोलते, शुक्रिया बोलते हैं, शुक्रिया, नहीं नहीं शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये देखिए प्रदीप सिंह, उत्तर प्रदेश अपनी आवाज़ के मुख्य संपादक, आज जोकर बन के खड़े हैं यहाँ पे, और बहुत बहुत शानदार रोल इनको मिला है अबू हसन में। और ये हमारे चाचा जी, इनको भी आपसे मुलाकात करवाया मैंने, सबसे सीनियर स्टाफ यहाँ पे है ना स्कूल में आप? अच्छा, नाटक करते हुए इनको 50 साल हो गया। अरे वाह, क्या बात है भैया। मेरे बगल में जो सचिन बैठे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि पिता पुत्र नहीं, ये बाबा और पोते की जो है थोड़ी, ये थिएटर जगत में ये हम लोगों के बाबा बाबा कहे जाएंगे, और छोटे बाबा यहाँ बगल में खड़े हैं, ये सब हमारे हमारे बाबा हैं, बाबा के हैं, तो हमारे क्या हुए फिर, एक बजरे बाबा उधर खड़े हैं, अंदर आपको ले चलते हैं मेकअप रूम में, जहाँ पे सबका मेकअप हो रहा है। और इधर देखिए अभी हमारे परम आदरणीय श्री राधे श्याम अंकल जी, जो कि मेकअप की भूमिका में एक बार फिर से हैं अंकल जी,
राधेश्याम सर, राधेश्याम सर, भाई अविनाश राव, संजय सोनी सर और अजय ठाकुर जी यहाँ भाई। हाँ आइए, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अरे भाभी आपकी जितनी तारीफ करूँ मैं क्या बताऊँ कि इसकी किताब को पढ़कर हमें दो ही सबक याद हुए, इस इश्क की किताब को पढ़कर हमें दो ही सबक याद हुए, कुछ आप जैसे आबाद हुए और आपके चक्कर में कुछ हमारे जैसे बर्बाद हुए। क्या बात है। अरे रीना मैम है, अभी इनका गेटअप रेडी हो रहा है, अभी रेडी नहीं हुई है, अम्मी की भूमिका में है अबू हसन की, अभी अम्मी के साथ साथ वस्त्र विन्यास और पूरा मैनेजमेंट आपका है ना, उपहार का मेकअप भी चल रहा है यहाँ पे, अभी दादा यहाँ मेकअप कर रहे हैं, मेकअप दादा, और ये है अबू हसन। और अभी देखिए यहाँ पे लाइट डिजाइनिंग का काम चल रहा है श्रेयांश भाई के द्वारा, लाइट डिजाइन हो रहा है मंच पे अभी। और ये कैमरा पर्सन है जो इस पूरे नौटंकी को शूट करने के लिए आए हैं। और वर्तमान में दर्पण गोरखपुर के मेन प्रेसिडेंट परम आदरणीय श्री रविशंकर खरे सर भी आ गए हैं, और आप ही के द्वारा ये नाटक जो है प्रस्तुत किया जा रहा है अबू हसन, जो आज मंचन होना है 6:30 बजे से। किंचन हूँ फिर भी स्वीकारो मेरा नमस्कार, स्वीकारो मेरा नमस्कार, हे कालेश्वर हे कला सिंधु, जो कृपा आपकी पा करके दुनिया में सब मरमा के हुए, हे परम पिता अब तो मुझ पे कर दो वह अनुकंपा अपार, हे कालेश्वर हे कला सिंधु, बहुत जरूरी हो दुकान में जाकर धीरे से कह दीजिएगा, बहुत जरूरी होता कोई भी नाइस होना नहीं चाहिए, जितने लोग टोपी पहने हुए हैं चाहे वो दोस्त में हो चाहे परियात में हो टोपी नहीं होता, ठीक है। अब आप बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिए उनसे और नाटक के लिए हम थोड़ी देर बाद अभी देखिए प्रार्थना खत्म हो गई है और सारे कलाकार जो है तैयार होकर फाइनली जा रहे हैं मंच की तरफ, मंच पे लाइट ऑफ हो गया है, जैसे ही लाइट ऑन होगी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आइए क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सियाराम। नाटक चालू होने वाला है, मंच पे पूरी लाइटिंग आ गई है, और चूंकि मैं जो है म्यूजिक टीम में हूँ तो मैं पीछे बैठा रहूंगा।
चूंकि मैं म्यूजिक टीम में हूँ तो पीछे बैठा रहूँगा, लेकिन बीच बीच में जहाँ से हम बैठे रहेंगे वहीं से आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाते रहेंगे नाटक का। वैसे आपने रिहर्सल में सब कुछ देख लिया है, लेकिन फिर भी जो चीज़ बचा होगा उसको आज अपने ब्लॉग के माध्यम से कवर कर लेंगे। और ये देखिए आरजे ज्योति मैम है यहाँ पे। Hello. ये कल भी आई थी ग्रैंड रिहर्सल में और आज आई हैं इस नाटक को लाइव देखने के लिए। पहली बार नाटक देखने आई हैं? नहीं, मैं रंगमंच से हमेशा से जुड़ी रही हूँ। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है रंगमंच को देखना, तो बस मैं इसलिए आई हूँ। और छोटी सी शुरुआत में मेरी होस्टिंग भी है, आई एम वेरी एक्साइटेड। आप सभी जहाँ भी हैं वो रंगमंच को जरूर देखने जाएं। क्या बात है, आज नाटक देखने के साथ साथ दर्शक के साथ साथ ये होस्ट भी करेंगे आज नाटक को, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। इसके लिए आप पहली बार होस्टिंग करी नाटक? नहीं नहीं, नाटक होस्ट करते पहले भी कर। अरे वाह, सब कुछ पहले कर चुके हैं। अच्छा, हम पहली बार आपको देख रहे हैं इसलिए मुझे लग रहा है। ठीक ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको भी। ये दो शराबी यहाँ पे आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से। ये मुंबई की रोशन आरा की सहेली चमन आरा ईरानी, ये रोशन आरा की दूसरी सहेली, क्या नाम है इसका, किस किस में कर लिया है? इसका असली नाम भी है सर, नाटक वाला भी नाम है सर। गाल इधर करो, किस किस ने किया है? तो अभी आप हाल फिलहाल देख सकते हैं, हम लोग म्यूजिक सेक्शन का पार्ट ले चुके हैं, जहाँ म्यूजिक की टीम बैठी है बैठ चुके हैं। ये बेचन अंकल, इनसे आपको मिलवाई नहीं थी, तीन ताल का लहरा बचने जा रहा है। और काफ़ी लोग दर्शक दीर्घा में आ चुके हैं इस अबू हसन नौटंकी को लाइव देखने के लिए।
नाटक देखने के लिए क्या है परम आदरणीय बहुत ही अच्छे कलाकार बहुत ही अच्छे गायक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कलाकार परम आदरणीय श्री राकेश श्रीवास्तव सर जी भी आए थे और आपसे मुलाकात हुआ और बहुत बहुत धन्यवाद आप आए नाटक देखने के लिए हमेशा आशीर्वाद मिलता है। अभी आप देख सकते हैं नाटक खत्म हो चुका है और फोटो सेशन वगैरह भी हो गया ग्रुप फोटो भी हो गया और इस नाटक को काफ़ी सराहना मिली काफ़ी पसंद किया गया। इस नाटक को ब्लॉग के माध्यम से आप देखेंगे भी और जब नाटक बन करके पूरा आ जाएगा जिस YouTube चैनल पर अपलोड होगा उसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूंगा। और अभी ले चलते हैं आपको अंदर की तरफ और ये इस अबू हसन नौटंकी को देखने के लिए बहुत सारे गोरखपुर के रंगकर्मी बहुत सारे कलाकार जो धारावाहिक में काम कर चुके हैं और कई पिक्चरों में काम कर चुके हैं आप लोग भी आए हैं बड़े भैया राहुल कुशवाहा जी प्रदीप को तो आप जानते ही हैं अनुप्रिया हैं और बीच में हैं बड़े भैया आलोक सिंह राजपूत जी राज मौर्या जी जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं इनके जो वीडियोस हैं हमेशा फेसबुक के माध्यम से मैं देखता रहता हूँ ये बहुत अच्छे कलाकार चंद्र प्रकाश भैया अभी हाल ही में इनका एक रील आया था अमित मौर्या जी के साथ में मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे बम बहादुर यादव के साथ में ये हरीश भैया हैं हरीश हंस जी बहुत अच्छे गायक इनकी पूरी फैमिली कलाकार है। अभी जो बबीता भाभी नाटक में बेगम साहिबा का रोल कर रही थी आपकी धर्म पत्नी जी हैं और इनकी बेटी भी सिंगर है और इनका बेटा भी बहुत अच्छा कलाकार है तो बबीता भाभी भी यहाँ पे आ गई हैं और बहुत अच्छा लगा आपको देख करके काफी आनंद आया और तेज बोलिए थक गए एनर्जी कम हो गई कोई बात नहीं कोई बात नहीं वेरी गुड वेरी नाइस और लोगों से मिलवाता हूँ मैं और ये ज्योति मैम है बहुत अच्छी एंकरिंग की इन्होंने आज पहली बार मैं इनको सुना हूँ बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करती हैं और बोलती हैं बहुत अच्छा लगा आपको देख करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू
ये रितिका मैम है, रितिका सिंह जी, आप भी लाइव देखने आई हैं और वरिष्ठ रंगकर्मी हैं गोरखपुर की। हाँ इनका इंटरव्यू लीजिए, ये सभी लोग इनके फैन हैं। और साक्षी, साक्षी के सभी लोग यहाँ पे फैन हो गए हैं और इनकी आवाज़ के सब लोग फैन हो गए हैं साक्षी। और अरे क्या बात है, पूर्व डायरेक्टर, हम लोग जो इससे पहले नाटक किए थे एक था गधा उर्फ अलादात खान, उसके निर्देशक परम आदरणीय श्री अजीत सर, आप भी आए हुए हैं इस अबू हसन नौटंकी को लाइव देखने के लिए। और आप जान सकते हैं कि नाटक अभी आप देख सकते हैं, नाटक खत्म हो गया और सभी कलाकार अपना ड्रेस जो है बारी बारी चेंज कर रहे हैं। और खाना, ये खाना है, खाना भी मिल रहा है सबको। खाने में लड्डू है, पूड़ी है, ये खाने में लड्डू पूड़ी सब्जी, ये तीन चीज़ें हैं। सबको बारी बारी से बुलाते हैं, सबको खाना देते हैं और फिर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अभी आयशा अपने घर से मेरे लिए क्या लेके आई है, क्या है? लिट्टी। देखो लिट्टी भर है और कुछ नहीं है? अच्छा, इसके अंदर मेरे लिए भरा हुआ है। अच्छा, थैंक यू लिट्टी खिलाने के लिए। और अभी देखिए सारे कलाकार बारी बारी से खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खा रहा हूँ। खाने में लड्डू है, सब्जी है, पूड़ी है। और हारून उल रशीद जी यहाँ पे अपना कपड़ा बदल रहे हैं, खाना खा लिए? अरे वाह, शकल देखिए इनकी, वाह माशाल्लाह क्या लग रहे हैं। सर सर यहाँ पे लड्डू बांट रहे हैं सबको, लड्डू नहीं बांट रहे सर, ये जो फूट गया क्या होगा इसका? सर ये जो फूट गया क्या होगा? इससे फूट गया तो फिर लड्डू बनेगा, थोड़ा इस पर रख दीजिए ना। थैंक यू। मुझे एक लड्डू एक्स्ट्रा मिल गया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परम आदरणीय श्री सरस श्रीवास्तव सर का। तो ये नाटक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मतलब हम लोग खाना भी खा चुके, नाटक भी कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि बड़ी तारीफें मिली इस नाटक को, काफ़ी लोगों ने सराहा। तो फाइनली इस ब्लॉग को एंड करने का समय आ गया है, हम लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ये रीना मैम पहले मिलाए थे हम, अभी भी मेकअप छूटा नहीं है इनका, मेकअप लगा हुआ है इनका। तो हम लोग अब जा रहे हैं अपने अपने घरों को। आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो निवेदन है आप सभी लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर ये ब्लॉग आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दिन इसी तरह एक और अमेजिंग से, इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।